Assalamu alaikum. This is Sharda University. I heard from someone this is a very old place. So, ये लिखा हुआ है इसका सब कुछ यहाँ पर हवाला तारीख मंसूर मुसलमान वारखा अल बैरूनी ने अपनी किताब में शारदा का कुछ शुरू करते हैं. इट्स अ वेरी ओल्ड हिस्ट्री एक्चुअली अबाउट दिस यूनिवर्सिटी. काफ़ी और इस तरफ ये सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं हम. ओह हो, और यहाँ से क्रॉस करेंगे जी तो ये हम नीचे उतरे. ये हम ये यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं जो बहुत ही ओल्ड यूनिवर्सिटी है. आई थिंक मुझे किसी ने बताया ये सारा पानी है इस साइड में. और ये वही एरिया जहाँ से वो निकल रहा है. ये देखें ये नीचे इसकी तरफ फिर भी यहाँ से भी दरिया की तरफ ही जा रहा है पानी सारा. और वो मेन जो चश्मा पहाड़ों से आ रहा है वो है. और आई थिंक मुझे सुना है कि यहाँ पे आर्मी ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी पोस्ट बनाई है फ़िलहाल. तो ये उसी तरफ ही जा रहे हैं. ये मशीन पड़ी है अब किस काम आती है पत्थर वत्थर तोड़ने के काम ही ऑफ कोर्स आती है ये सारी की सारी. क्योंकि ये सारा ये भी इस साइड में आगे आगे भी ये आई थिंक ये लोकल रेजिडेंस हैं बिल्कुल. ये सब लोकल लोग यहाँ पर रह रहे हैं जो यहाँ के रहने वाले कश्मीरी लोग हैं. और ये पानी का शोर तो आप सुन ही रहे होंगे जैसे इसके साथ साथ ये चल रहा है सारा. अस्सलाम वालेकुम. SOS पाकिस्तान ESTB नर्सरीज स्प्रिंग्स ये कुछ लिखा हुआ है सामने. LETM लाइव टील ये कुछ आई थिंक बीच ब्रीच ये कुछ आर्मी का है. अब ये क्या है ये नहीं पता. ये आर्मी की नर्सरी भी है सच. हाँ ये नर्सरी है आर्मी की. आर्मी यहाँ पे नर्सरी लगाई होती है लोगों को ये देते हैं ये सारा ये चीज़ है. और ये आर्मी के जवान खड़े हैं यहाँ पे सारा. चलें ठीक. अस्सलाम वालेकुम. ये वो यूनिवर्सिटी की तरफ चढ़ रहे हैं ऊपर और यहाँ से बिल्कुल नीचे हाइट बहुत ज़्यादा है. बहुत हाइट पे आ रहे हैं हम. काफ़ी स्टेप्स हैं आई थिंक 40-60 तक जाते हैं ये सारे. ओह और अच्छे खासे ऊंचे क्योंकि ये देखिए सारा ये आर्मी वालों नीचे कार्ड रख लिए हमारे. अब वो क्या कि ओह माय गॉड. ओह ओह सांस भूल गई यार. ओह माय गॉड दिस इज वेरी इट्स कॉल यूनिवर्सिटी बेसिकली. मगर क्योंकि पुराना टाइम यूनिवर्सिटी से है तो कुछ नहीं. मगर अब क्या क्या टूटा हुआ जो कुछ भी ये रहा इसका ये वो पुराने कॉलम्स बने हुए. ये जो आई थिंक ये एंट्रेंस ही थी. ये देखिए ये इसके आर्किटेक्चर है पुराना. सॉरी आ जाए. और ये ऊपर ये देखिए ये पहले यहाँ पे पूरा था और वक्त के साथ साथ टूट गया सब कुछ. और ये इसकी बनी हुई है लिखा शारदा यूनिवर्सिटी का तारीखी पस मंजर. ये सारा इसके ऊपर है. इसे एक पिक्चर बना के डाल देते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. ये सारा ये अभी ये क्या है पीछे कोई पता नहीं. ये जी पाकिस्तान आर्मी की शायद चेक पोस्ट भी है. ऊपर पोस्ट है ये झंडा पाकिस्तान का बना. और ये सारा ही अजान हो गई है. ये शारदा बीच अ होली प्लेस महा शक्ति पिथास शारदा ये समथिंग कुछ इंडिया ये नहीं हिंदूज का ही कुछ है. ये आई थिंक ये इसका होली प्लेस था. और ये एक साइड ये है एग्जैक्टली पता नहीं क्या है. और एक ये इसकी और ये ऊपर भी आई थिंक सो आर्मी है कॉर्नर. ये यहाँ पे इसका
इन्होंने बनाया हुआ है। दिस इज हिस्टोरिकल प्लेस। और ये पीछे जैसे हम पीछे जा रहे हैं पहाड़ों के नीचे जा रहे हैं, पीछे लोकल आबादी है और ये कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ये देखिए इधर ही इसके मिड के अंदर ये सारा, ये अब क्या यहाँ पे कुछ पता नहीं बट ये कुछ बिल्डिंग बनी है जो अभी टूट चुकी है सारी की सारी यहाँ पे। और ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जवान, क्या हाल हैं? सारे स्टूडेंट हैं? अच्छा जी, ये सारे बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं कश्मीर के। निकाब उतारो ज़रा। क्या नाम है आपका? मलिक। मलिक साहब हैं? अच्छा जी, ये मलिक साहब हैं। आपका? आतिफ मुगल। आतिफ मुगल साहब जी, इकबाल चौधरी साहब, बड़े नजर लोग होते हैं। अच्छा, अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर, मोहम्मद सभी, शकील गुलशन, बट कौन है हमें से? मलिक शेख। बट कोई नहीं इनमें से, ठीक है। और ये लगता है सबने स्कूल से फुटा लगाया मुझे लगता है, स्कूल आज भी। अच्छा, छुट्टी हो गई है तो ये सारे सारे पढ़ने वाले बच्चे लगता है मुझे। हमारे जैसा कोई भी नहीं, हम तो भाग जाते थे स्कूल से, ठीक है। चले, गुड लक, वेलकम वेलकम। और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं, यूट्यूब पे चलाऊंगा मैं इंशाल्लाह। ये कुछ मैसेज दे दो लोगों को, कि आप आए हमारे कश्मीर में, आए हमारे इलाके को देखें, ठीक है। तो ये बहुत सर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर के वाले से? सर सुभान अल्लाह, बिल्कुल अच्छा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू, कोई इसी में तो आया। आप भी कहें कि कश्मीर की तरफ लोग आए। श्योर श्योर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय 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 बाय। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, यही सब कुछ है, ठीक है, बाय बाय। अच्छा जी, ये पीछे देखें, ये वही है, यहाँ पे अम्ब्रेलास लगाए हुए हैं सीटिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ बैठता हूँ, सांस मेरी फूल गई थी बिल्कुल ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे बैठे हैं। और अजानें हो गई जोहर की, अब नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और बाकी उसके बाद अल्लाह हाफिज़ जी। यहाँ पे ये अभी हम इस यूनिवर्सिटी के टॉप पे हैं और ये ऊपर से ये देख सकते हैं आप, ये इस साइड का व्यू है। ये जो साइड है ये केल वाली साइड है, केल एक जगह है यहाँ से 20 किलोमीटर फार। और ये सारा ये नीचे से, ये पीछे देखें, ये वो नाले की जगह जहाँ पे बर्फ़ है, और वो पीछे स्कूल है बच्चों का। और जनाब ये देखें, ये भी सारी बर्फ़ पड़ी है, ये इसके ऊपर भी बर्फ़ है, ये देखें, ये लोकल लोगों के घर हैं यहाँ पे, इधर कोई भी रेस्ट एरिया नहीं। ये पीछे देखेंगे जिस तरह ऊपर जाते जाएंगे, ये देखें सारा का सारा पहाड़ है। और ये बेचारे यहाँ पे कुत्ते दो बिल्कुल छोटे, सर्दी के मारे, बल्कि ये यूज्ड हुई है यहाँ पे सर्दी, बड़े कंफर्ट बैठे हैं वैसे तो, एक नीचे एक ऊपर बैठा हुआ है। और ये पीछे इसके घर हैं सारे के सारे। और ये बेसिकली ये क्या है कि ये जो चश्मा है पानी के, ये पीछे चलता चलता ये दोनों पहाड़ों के दरमियान में से ही वो उस जगह से नीचे की तरफ आ रहा है हमेशा। ये चश्मे मोस्टली क्या होता है, पहाड़ों के दरमियान से ही, पहाड़ों के दो पहाड़ों के दरमियान से आते हैं जी। ये है कि अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, सेम वही जगह पर आ गए, इसकी साइड भी वही है जो उससे, इतना ही है, छोटा सा ही है। यहाँ से घूम के अभी हम नीचे की तरफ उतरेंगे और एक काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे आ जाता है। ये लगता है इस तरह की हाइट पे नहीं है, ये देखिए ज़रा, ये नीचे तो कुछ लोगों का ऊपर आना नहीं हुआ क्योंकि बहुत हाइट थी और नीचे उतरना भी मुश्किल है सारा। पीछे आर्मी का एरिया सारा, ये जो भी है सारा यहाँ पर।